नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 8 क्लास का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 ध्वनि। सबसे पहले इसके जो राइटर हैं उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। सबसे पहले हम इनके कठिन शब्द हैं उनको देखेंगे। कठिन शब्दों में सबसे पहले आता है हमारा मृदुल। मृदुल में सोता है कोमल, पात में सोता है शरीर, गात में सोता है शरीर, पात में सोता है पत्ता, और निंद्रित में सोता है सोया हुआ, प्रत्युष में सोता है प्रातःकाल, और तंद्रालस में सोता है नींद से आलस्य हुआ, और लालसा में सोता है पानी की चाह या इच्छा अभिलाषा होती है। ये इसके शब्दार्थ हैं जो इसमें कठिन शब्द आए हुए हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा सा हम पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जीवन है बहुत कठिनाइयों से बीता हुआ है। इन्होंने बहुत कष्टों का सहन किया था, इसके आधार पर ही इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हुई हैं। उन कविताओं को जो प्रकृति के आधार पर उन्होंने बताया है, प्रकृति का उदाहरण लेते हुए इन्होंने अपने लोगों के साथ में इनको कांटेक्ट किया है, कनेक्ट किया है, कि जिस तरीका से प्रकृति को एक उदाहरण लेकर लोगों को एक मैसेज देना चाहे कि हमें कभी भी अपनी हार नहीं माननी चाहिए, जिस तरीका से उन्होंने बताया गया है हार नहीं माननी चाहिए। इन्होंने प्रकृति की जिस तरीका से एक अभी अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत, जिस तरीका से पतझड़ खत्म हो जाती है उस तरीका से, जिस तरीका से हमारी एक पतझड़ खत्म हो जाती है, सेम उसी तरीका से जब पतझड़ के बाद में वन में जो बसंत आ जाती है, बसंत ऋतु आ जाती है, हरियाली आ जाती है, उसी तरीका से हमारे जो मनुष्य होते हैं उनके मन में भी जो कष्ट हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, सफलता के प्रति निराशा आ जाती है, तो उस निराशा से हमें घबराना नहीं चाहिए। जिस तरीका से प्रकृति में बसंत आती है उसी तरीका से एक निराशा के बाद हमारे पास भी एक अच्छी आशा आएगी, इसलिए हमें भी अभी लगे रहना चाहिए, निरंतर अपने कामों में सफलता की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। अभी ना होगा मेरा अंत, हरे हरे पात हैं डालियां कलियां कोमल गात, कोमल में जो शरीर होता है पेड़ पौधों का जो कोमल शरीर होता है उस पर जिस तरीका से डालियां हैं कलियां हैं पात हैं पत्ते हैं इस तरीका से आते रहते हैं, सेम उसी तरीका से हमारे जीवन में भी कष्ट दुख समस्या हैं और ये हमारे जीवन में भी आते रहेंगे, लेकिन हमें इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीका से ये आएंगे उसी तरीके से चले जाते हैं। मैं भी अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा ए प्रत्युष मनोवर, जिस तरीका से एक सूर्य आता है और अपना एक हाथ कोमल हाथ उन कलियों पर फेरता है जो सो रही होती हैं, और उनके बाद उनका जो जागृत हो जाती हैं वो कलियाँ खिलने लग जाती हैं, सेम उसी तरीका से हमारे जीवन में भी एक समय ऐसा आएगा निकलने के बाद कि हम भी एक कलियों की तरह प्रफुल्लित होने लग जाएंगे, हमारे मन में एक नई आशा आने लग जाएगी, जोश आ जाएगा हमारे अंदर। पुष्प तंद्रा से आलस्य खींच लूँगा मैं, पुष्प से तंद्राला से आलस्य खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सींच दूंगा मैं, यानी जिस तरीका से हमारे शरीर में जिस तरीका से फूल में आलस्य होता है, वो सूर्य रूपी जो फूल होता है जो आलस्य को खींच लेता है, सूर्य जब निकलता है तो उस फूल का जो आलस्य है सो रहा है वो खींच लेता है अपनी ओर, अपने नव जीवन का अमृत सींच दूंगा मैं, जिस तरीका से नव जीवन का जो सृजन है वो हमारा हो जाएगा, उसी तरीका से हमें अपने जीवन के लिए देखना है कि हमारे जिस तरीका से जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उसी तरीका से हमें भी अपने जीवन के प्रति अग्रसर होना चाहिए। एक ना एक दिन हमारे जीवन में नई उल्लास, नया उल्लास, नया जोश हमारे साथ में आएगा, हमारे जीवन में आएगा, और हम लोग अपना नया काम करना स्टार्ट कर देंगे। जिस तरीका से अमृत सींच दूंगा मैं, उस तरीका से जिस तरीका से अब फूलों से एक आलस्य खींच लिया जाता है, उसी तरीका से नव जीवन के अंदर आलस्य को यानी कि जो जोश है उसको भर दिया जाएगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी कि मैं सफलता के कैसे अग्रसर होती है, सफलता में कैसे मिलती है, उसका द्वार मैं आपको दिखा दूंगा, उसका रास्ता मैं आपको बता दूंगा, मेरे भी जहां अंत तक, यानी कि जहां पर आपको अंत तक सफलता प्राप्त होगी वहां तक मैं आपको द्वार दिखा दूंगा, कभी ना होगा मेरा अंत, इस तरीका से कभी वास्तव में कभी अपने जीवन की आवा और कर्तव्य भावना को यशस्वी बनाकर वसंत की हरियाली की भांति उसे चारों ओर फैलाना चाहता है, वह अदृश्य परमात्मा से सब प्राण भेंट करना चाहता है, इसलिए वो अभी अपना अंत नहीं चाहता है।
थैंक यू। आप YouTube चैनल जो अपना सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और जिससे आगे के वीडियो भी आपको मिलते रहें, आपकी स्टडी पूरी चलती रहे। आज से मैं आपको रोजाना डेली कुछ ना कुछ हिंदी और हिंदी व्याकरण के टॉपिक्सों को क्लियर कराता रहूँगा। अपनी सारी क्लासों के कुछ वीडियो हैं उनको मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जितने भी वीडियो हैं जो हिंदी से रिलेटेड हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और तो जल्दी से जल्दी आप अपने YouTube चैनल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का जो YouTube चैनल है उसको आप सर्च करें YouTube पे, और अपना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।